चलो अपन रिवाइज करें बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या थे. पहला पॉइंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द बिजनेस अबाउट द विजन एंड मिशन. इसकी हेल्प से हम रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे ताकि हम हमारे विजन और मिशन को क्या कर सकें, अचीव कर सकें. सेकंड, टू बी प्रोएक्टिव ना कि रिएक्टिव. आप सिचुएशंस को एनालाइज कर फिर उसके लिए एक्शंस लो, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनो. आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करो, ना कि एनवायरनमेंट के जो टर्बुलेंस और अनसर्टेनिटीज आ रही हैं उसे कैरिड अवे नहीं हो जाओ. थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इट गाइडेंस भी देता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द क्रूशियल पॉइंट्स कि आपको क्या करना चाहिए. फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या था बच्चों, फ्यूचर एंड पाथ फाइंडर. मतलब ये बताएगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उनको कैसे कैसे ग्रैब किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ये हमें कॉस्टली मिस्टेक्स इन द इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट चॉइसेस में हमें बचाता है. नेक्स्ट, डेवलप द कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को डेवलप करने में हेल्प करता है. एंड एनहांस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस. क्या आप सिर्फ लक के बेसिस पे सर्वाइव नहीं करोगे, आपके पास कोई रीजन है उसीलिए आप फ्यूचर तक सर्वाइव कर सकते हो. देन अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्या लिमिटेशंस थी, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, डायनेमिक, अनसर्टेन, कितना भी कर लो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी नहीं बना सकते. सेकंड, स्ट्रेटजी इज टाइम कंज्यूमिंग, बनाना और समझाना बहुत समय खर्च हो जाता है, तो जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का टाइम होता है तब तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं. देन कॉस्टली, कॉस्टली क्यों, क्योंकि एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे एंड यहाँ पे जो स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है. लास्ट, आजकल सब लोग स्ट्रैटेजिकली वर्क कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर मेरी स्ट्रैटेजी पे कैसा रिएक्शन देगा वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. देन स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन तीन लेवल्स थे. पहला था कॉर्पोरेट लेवल, यहाँ कौन होते हैं, सीईओस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएफओस एक्सेट्रा. इनका काम क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजीज बनाना. पांच रोल है सीईओ के. क्या, पहला विजन और मिशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रैटेजीज फॉर द बिजनेस एंड लीडरशिप. देन सेकंड लेवल कौन सा पड़ा, बिजनेस डिविजनल लेवल, या इसको एसबीयू लेवल भी कहा जाता है. ये अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स हैं जिसके खुद के अपने फंक्शंस हैं, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन. इसका जो हेड है उसका नाम क्या है, जनरल मैनेजर. उसका काम क्या है, टॉप लेवल स्ट्रेटजी बनाकर दे रहा है उसको अपने बिजनेस के लिए ट्रांसलेट करना. कॉर्पोरेट लेवल तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा, जबकि जनरल लेवल सिर्फ अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा. देन फंक्शनल लेवल, ये जो एक डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो फंक्शनल लेवल, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे बिजनेस के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है. देन फंक्शनल लेवल, ये जब भी कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाए तो हमेशा किसको साथ में रखें, फंक्शनल लेवल को, क्योंकि वो लोग ही होते हैं जो कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज को आप बना सकते हो. और फंक्शनल लेवल ही होते हैं जो स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर बनाते वक्त उनको समझ में आ रही है तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क हाई मीडियम लो, फिर कॉस्ट हाई मीडियम लो, प्रॉफिट हाई मीडियम लो, टास्क प्लानिंग प्लानिंग ऑपरेशनल ऑपरेशनल. देन मैनेजमेंट इन्वॉल्व, टॉप टॉप मीडियम एंड मीडियम. देन टाइम, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज एंड लो रेंज के बारे में वो सोचते हैं. देन क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है, हाँ या ना? हाँ,
क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, उनको भी स्ट्रैटेजीज उसके लिए बनानी पड़ती हैं। तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक एजुकेशन, मेडिकल, गवर्नमेंट। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हायर एजुकेशंस में वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स का इनटेक करेंगे, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाएंगे ताकि हम प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकें। सेकेंड था मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं। उसके लिए वो लोग फ्री कैंप्स लगाते हैं, डोर टू डोर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर्स खोलते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन गवर्नमेंट एजेंसीज, वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे जो टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको हम किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करें। गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं उसमें जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो इतनी ऑटोनॉमी, इतनी फ्रीडम के साथ काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस का इनके ऊपर वो रहता है, प्रेशर बना हुआ रहता है, और छोटा सा भी इशू आया तो तुरंत मीडिया में आ जाता है। पर आजकल उन लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम मिलने लग रही है। ये सारी cannot diversify into unrelated business. Generally जो government organizations होती हैं वो unrelated business में अपने आप को diversify नहीं करती। मतलब unrelated मतलब पहले मेरा काम किसका था? Clothes का। अगर इस clothes में भी मैं पहले क्या बेचती थी? Shirts। अगर shirts के साथ मैं jeans बेचने लग गई तो ये तो हुआ related diversification, कि आप कुछ नया कर रहे हो वो पुराने से रिलेटेड है, एक्सपेंड कर रहे हो जो पुराने से रिलेटेड है। आप क्लोथ्स के साथ, आप क्लोथ्स का बिजनेस खोल रखा था उसके साथ आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। पहले आप शर्ट्स बेचते थे, शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आपकी फैक्ट्री थी, उसके साथ आपने क्या कर लिया? एक रेस्टोरेंट खोल लिया। तो शर्ट्स एंड रेस्टोरेंट एक दूसरे से किसी भी सेंस में कनेक्टेड है? नहीं। तो ये क्या हो गया? अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जनरली जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं करती हैं, वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ही करती हैं। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन आंसर्स करें बच्चों। हाँ जी, ये प्लीज बिना आंसर देके सब लोग सोच कर बताना क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड टू टेक मार्केट पोजिशन, टू अट्रैक्ट एंड सैटिस्फाई कस्टमर्स, to respond to dynamic and hostile environment, all of the above. All of the above. Very good. Which of the following is correct? इनमें से क्या सही है? Strategy is always pragmatic and not flexible. नहीं, strategy flexible होती है. Strategy is not always perfect, flawless and optimal. Strategy is always perfect नहीं होती, always flexible, pragmatic. Pragmatic भी होती है. Pragmatic मतलब practical, real life को देखते हुए. तो इसका option B answer सही हो गया. Strategy is proactive in action, reactive in action, blend of proactive, reactive, none of the above. Blend मतलब इन दोनों का combination. Reactive strategy can also be termed as planned strategy, adapt, sound या dynamic. Adaptive strategy. Formulation of strategies and their implementation in a strategic management process is undertaken by banana aur fir implement karna, top level, middle level, low level, ya all of the above. बच्चों सिर्फ बनाना नहीं है, बनाने के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी है। ऑल ऑफ दी अबव। बनाने का काम तो टॉप और मिडिल कर लेंगे, पर इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करेगा? लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजी? कौन जिम्मेदार है फॉर्मुलेट और डेवलप करने के लिए? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट फंक्शनल, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल? ऑप्शन बच्चों बनाना और उसको डेवलप करना, डेवलप मतलब उसको इंप्लीमेंट करना, तो तीनों तो होंगे, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो, सिर्फ बनाएगा।
फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वो उसने बाहर लिख दिया, बट सिर्फ वो फॉर्मुलेट, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट स्ट्रैटेजीज इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज ऑफ देयर इंडिविजुअल बिजनेस, कौन है? फंक्शनल मैनेजर्स नहीं, वो बिजनेस मैनेजर्स था, तो वहां उनका नाम था जनरल मैनेजर्स, पर यहाँ अपन को जनरल मैनेजर्स नाम दे नहीं रखा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल मैनेजर। वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब इन्होंने यहाँ पे देखो टर्म दे दिया बिजनेस, पर अपन को आंसर देखकर समझना है बिजनेस मतलब वो क्या कह रहा है, फंक्शन, बिजनेस मतलब वो क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट। तो जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वही लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे जो जनरल स्टेटमेंट्स बनकर आ रहा है उसको अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर यहाँ नाम जनरल मैनेजर्स होता तो अपन सिर्फ उसी पे टिक लगाते, क्योंकि उसने जनरल मैनेजर नाम नहीं दिया, इसलिए अब अपन को सोचना पड़ेगा अपन किस पे टिक लगाएं, तो किस पे लगाएंगे, फंक्शनल मैनेजर्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय एनजीओस, एनजीओस मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग क्यों काम में लेते हैं, यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू रेज द फंड, अचीव द गोल्स, या ऑल ऑफ द अबव। ये चीज आपको लर्न भी करनी है, लर्न मतलब अभी अपन देखेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं अपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो जहां पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे एनजीओ की बात कर दी, तो वहां आप ये सेंटेंस जरूर लिख कर आएंगे कि एनजीओ को भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्यों? ताकि वो अपने फंड्स को रेज कर सकें, ताकि वो अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, और ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ये सेंटेंस जो है, ये वाला क्वेश्चन अपन अपने आंसर्स में यूज में ले सकते हैं, हर जगह अपन को ये काम में लेना है। Strategic management enables an organization to dash instead of companies just responding to threats in their business environment. क्या बनो? किस चीज में help करता है? आप क्या बनो? ना कि सिर्फ आप respond करते रहो। आप proactive रहो, ना कि सिर्फ respond करो। Read the following three statements. Strategies have short range implications, are action oriented, are rigidly defined. From the combination given below, select an alternative that represents statement that are true. इनमें से कौन से statements सही हैं? Second, third. C or C. Strategies have short-range implications, are action-oriented, are rigidly defined. Rigidly defined नहीं होती, strategies fix नहीं होती. ये तो एकदम गलत है, फ्लेक्सिबल होती है, तो ऑप्शन इन दोनों में से कोई हो सकता है, पर वो लॉन्ग रेंज भी होती है, लॉन्ग भी हो सकती है, प्लस शॉर्ट भी हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, तो अपन इसको सही मान सकते हैं, बट रिजिडिटी पर नहीं, ये नहीं बोला, मतलब देखो यहाँ पे देखो दो दो तीन तीन के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं आपको, ठीक है, अब अपन को इन्हीं में से आंसर चूज करना है, तो ये वाला ऑप्शन थ्री तो एकदम गलत हो गया, एकदम गलत, रिजिडली तो कभी नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, फर्स्ट वाला मैं 100% गलत नहीं कह सकती, फर्स्ट वाला मतलब स्ट्रैटेजी शॉर्ट रेंज भी होती है और लॉन्ग रेंज भी होती है, दोनों होती है, तो ये गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आप क्या मान सकते हो, सही, इनकम्प्लीट है बट सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वो कॉर्पोरेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, जो टॉप लेवल स्ट्रैटेजी बनाएगा वो लॉन्ग रेंज के लिए बनाएगा, और जो लो लेवल या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बनाएंगे वो शॉर्ट रेंज के लिए बनाएंगे। ठीक है, व्हाट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Strategic management allows an organization to be more very. What is a strategic management? बच्चों क्या होता है? Forming the vision, mission and objectives, forming the strategy, implementing and executing the strategies, then corrective adjustments in the vision, mission, objective, strategy. It is not a one-time activity. It is a cyclical activity. ये पूरी definition लिख के आ रही है। What are the benefits? हाँ, आप बोलोगे heading मेरे साथ।
बेनिफिट्स क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के गिव्स अ डायरेक्शन प्रोएक्टिव टास्किंग फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस पाथफाइंडर कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वेरी गुड आर देयर एनी लिमिटेशन अटैच्ड टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हां या ना यस कौन सी Environment complex, turbulent, costly, time-consuming, and difficult to predict the competitor's reaction. Explain the difference between three levels of strategy: formulation, corporate, business, functional. तो वो तीन के साथ वो characteristics जो थी हाँ table हाँ वो भी जरूर बनाकर आनी है otherwise marks नहीं आनी है खाली नहीं वो पूरा लिखना भी है चलो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव डू यू अग्री हाँ या ना हाँ गिव रीजन फॉर योर आंसर बच्चों यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है ये आंसर मुझे आपका मॉड्यूल का अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये लिख दिया तो जितने भी आपको पीछे क्वेश्चन आंसर्स में जो आंसर लिखा हुआ दिख रहा है वो 100% रीड एंड लर्न करना है मतलब वो कंटेंट भी आपको अपने एक्सप्लेनेशन में जोड़ना है अपन को क्या आता है पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव प्रोएक्टिव मतलब फर्स्ट स्टेप लेना इनिशियल स्टेप लेना रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड ज्यादा इनोवेशन करना रिएक्टिव मतलब कॉम्पिटिटर को देख कर कुछ भी रिएक्शन करना रिस्क कम रिवॉर्ड कम प्लस आपको वो एक डायग्राम आता है आना चाहिए जो मैंने कहा था तो प्लस उसके साथ अब अपन पढ़ रहे हैं और क्या कहता है ये यस स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव इन प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन विल एनालाइज पॉसिबल एनवायरमेंट सिनेरियोस एंड क्रिएट स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स एंड वर्क ऑन दीज स्ट्रेटजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर प्रोएक्टिव मतलब क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन पहले से एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करता है प्रोसीजर्स बनाता है उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी को क्या करता है इंप्लीमेंट करता है पर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाए हर चीज आप पहले से कभी भी प्लान कर नहीं रख सकते कि कॉम्पिटिटर क्या करेगा कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा टेक्नोलॉजी कब क्या कौन सी चेंज हो जाएगी आप कभी भी पहले से ये सारी चीजों की प्लानिंग नहीं कर सकते इस कुछ ना कुछ डेविएशन जरूर आते हैं जो हम सोचते हैं और जो एक्चुअली होता है इसीलिए आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई चेंज करना पड़ता है एज पर द एनवायरमेंट चेंजेस और ये जो चेंजेस आप कर रहे हो इसी को क्या कह देते हो आप रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कह देते हो तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है आप अपने एनवायरमेंट को एनालाइज करते हो अंडरस्टैंड करते हो पहले से ही और फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो प्रोसीजर्स करते हो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हो बट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एग्जैक्टली एनालाइज कर सको क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर टेक्नोलॉजी कुछ भी मार्केट में चेंज होता रहता है आप अपनी स्ट्रैटेजीज को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करते हो मॉडिफाई करते हो और उस मॉडिफिकेशन को क्या कह देते हैं अपन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी तो आपको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है ताकि आप जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनका तो फायदा उठा सके और एनवायरमेंट के चेंजेस के साथ कोप अप कर सके ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है हाँ या ना यस मैम डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ नो यूज टू द गवर्नमेंट एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन विद रीजन नो उनके लिए भी जरूरी है दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल कमर्शियल का एम क्या होता है उनको प्रॉफिट कमाना है और नॉन कमर्शियल का एम क्या होता है मुझे सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है बहुत सारे नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए होता है क्यों ताकि वो इनोवेट कर सके मोटिवेट कर सके प्रोडक्टिविटी और अपनी ह्यूमन रिसोर्स को और इंक्रीज और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकें ये तीन चार वर्ड्स हैं ये भी याद कर लेना जब भी एनजीओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए आप ये वाला सेंटेंस प्लस वो वाला सेंटेंस की क्यों जरूरी है ताकि फंड्स को रेज कर सकें ताकि रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें
क्या था बच्चों, क्यों जरूरी है एनजीओ के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? टू रेज द फंड्स, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज उनको ऑप्टिमम यूज कर सके। और क्यों जरूरी है? ताकि हम इनोवेट कर सकें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, मोटिवेट कर सकें और ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकें। तो इसमें आपको वो पूरा लिखना है, इसमें आधा ही लिखा हुआ है। आपको पढ़ा था आपने गवर्नमेंट के बारे में, वो भी लिखना है। आपने मेडिकल के बारे में पढ़ा था, वो भी लिखना है। और आपने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, वो भी लिखना है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में आपको सिर्फ गवर्नमेंट और मेडिकल पूछा है उसने, तो आप पहले गवर्नमेंट मेडिकल लिखेंगे पर बाद में एजुकेशन भी लिखेंगे, नहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वाला जो अगर क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है, तो उतना उसके अंदर वेटेज होना चाहिए कि हम लिख सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस अटैच्ड टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? क्या क्या थी? कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन। वेरी गुड। अब हमारे आ गए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। Health Well Now is a Delhi-based charitable promoting healthy lifestyle among office goers. Health Well Now एक charitable organization है. It organizes free of cost programs to encourage and guide office goers on matters related to stress relief, yoga, exercise, healthy diet, weight management, work-life balance and so on. Many business organizations and resident welfare associations are taking service of Health Well Now in Delhi and adjoining areas and make financial contribution to its cause. The Health Well Now is able to generate sufficient funds to meet its routine expenses. How far strategic management is relevant for Health Well Now discuss? Question samajh mein aaya? Question kya hai? Ek Health Well Now naam ki company hai. वो क्या करती है? वो डेली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उनका एम ये है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके। उसके लिए वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, जैसे कि उनको वो लोग योगा करवाएंगे, उनका स्ट्रेस रिलीफ, उनको बताएंगे कैसे आपको अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, वेट को मेंटेन कर सकते हो, वो सब उनको बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। तो क्या हेल्थ वेल नाउ के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जरूरी कंसेप्ट है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है। क्यों? टू रेज द फंड्स, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेलेवेंट है हेल्थ वेल नाउ के लिए। ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल बता सकते हो। कमर्शियल मतलब जिसका एम प्रॉफिट कमाना, और नॉन कमर्शियल जिसका एम क्या होता है? सर्विस देना। ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, फंड्स को जनरेट करना है एंड अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, रेस फंड्स, ऑप्टिमम यूज एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और उनके लिए भी जरूरी है ताकि वो आउट परफॉर्म कर सकें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन हेल्थ वेल नाउ टू कवर एस्पेक्ट सच एज, क्या क्या एस्पेक्ट कवर होंगे बोलो? क्यों जरूरी है? ताकि वो फंड्स को जनरेट कर सके और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोअर्स, एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोअर्स, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस गोअर्स के पास वो पहुंच सके। प्रमोट इटसेल्फ टू कवर मोर ऑफिसेज, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा ऑफिस कवर कर सके और डीप कोलैबोरेशन करेंगे वो हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिटनेस ट्रेनर्स, इन सबके साथ क्या करेंगे? डीप कोलैबोरेशन करेंगे। बच्चों आ रहा है क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू गुड ग्रुप इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन
Northern India working towards child care. The group educates people towards immunization, sanitization, work in coordination with local hospitals or medical centers. Recently, a new team has taken over the management of its activities. Explain whether tools of strategic management are relevant for the group or not. Relevant hai ya nahi hai? Hai, hai, hai. क्यों रेलिवेंट है? ताकि वो रिसोर्सेज को जनरेट कर सके और अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. वो क्या क्या कवर करेंगे? एनालाइज और इंटरप्रेट द इंटेंट इन टर्म्स ऑफ विजन मिशन. जो अपन ने नई टीम को काम दे दिया, वो नया टीम क्या क्या करेगी? वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन समझेगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन क्या है. रिसोर्सेज को जनरेट, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको वो जनरेट करेगी, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो मैन पावर हो. SWOT analysis करेगी नई टीम. SWOT analysis मतलब strengths, weakness, opportunities and threats. Setting goals in the area of child care मतलब geographical हमें इतना cover करना है, हमें इतने बच्चों को cover करना है. तो ये नई टीम के काम अपन बता रहे हैं कि नई टीम ये काम करेगी. एंड हमारी फ्यूचर पोजिशन क्या होगी, पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए हमें फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचना है. Next question, yummy foods and tasty foods are successfully competing in business of ready to eat snacks in Patna. Yummy has been pioneering in introducing innovative products. These products will give them good sale. However, tasty foods will introduce similar products in reaction to the products introduced by the yummy foods, taking away the advantage gained by the former. Discuss the strategic approach of the two companies which is superior. बच्चो कौन सी अप्रोच है? Yummy foods कौन सी काम में ले रही है? Proactive. और tasty foods? Reactive. Proactive, yummy foods काम में ले रही है proactive और tasty food काम में ले रही है reactive. Proactive मतलब पहले से ही plan करते हो, reactive मतलब उसको देखकर आप react करते हो. किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी जो होती है वो ब्लेंड होती है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की, ताकि आप अपनी मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें. इफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी रिसोर्सेज इतनी हैं तो आपको क्या होना चाहिए, ज़्यादातर प्रोएक्टिव होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल सके. नेक्स्ट है आपका, हेल्प बडी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू पुअर एंड नीडी एट हाईली अफोर्डेबल कॉस्ट. दीज ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू मैनेज इट्स अफेयर. Mayank, who is running the organization, believes in taking things as they come and will change the levels of activities based on the funds available. देखो क्या है, हेल्प बडी एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर मेडिकल सर्विसेज देती है. ये ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे. मयंक जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है वो क्या बिलीव करता है कि जो जैसा आ रहा है उसको वैसा ले लो, एंड विल चेंज द लेवल ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द फंड्स अवेलेबल. पैसा जो आ रहा है उसको वैसा का वैसा ले लो, फिर जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर लेता है. ये मयंक सोचता है. क्या मयंक सही कर रहा है? आप क्या उसको एडवाइस करना पसंद करेंगे? जो पैसा जिससे आ रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग अपन अपनी चीजों को चेंज कर लेते हैं क्या? नहीं. तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ये चीज सही नहीं है जो मयंक कर रहा है. चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको हमेशा प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए. ये नहीं कि पैसा आ गया उसके बाद मैं सोच रही हूँ उसको कहाँ कैसे एलोकेट करना है. यहाँ पे चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, फिर भी उसका यही एम होना चाहिए था कि मेरे को इस तरीके से पैसा को यहाँ यहाँ एलोकेट करना है, फिर पैसा आने के बाद वो एलोकेशन करता. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज बींग यूज इफेक्टली बाय काउंटलेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन. बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिवली यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? आउटसाइड फाइनेंस पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स पे डिपेंड करती है सारे का सारा अपना बिजनेस को रन करने के लिए. तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे पहले उनको जस्टिफाई करना चाहिए कि उनको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों चाहिए, क्यों उनको इतना पैसों की ज़रूरत होगी. तो मयंक को पहले समझना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अपने फंड्स को इनफ्लो जो है वो मैनेज करना चाहिए. ठीक है.
Next question is, Ramesh Sharma has 15 stores selling consumer durable goods in Delhi region. 4 of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerators, televisions, washing machines, air conditioners, and like till 4 years back. With shift to the purchase to online stores, the sales of his stores came down to about 70% in last 4 years. Analyze the position of Ramesh in light of limitation of strategic management. बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन? पहले उसके 15 स्टोर चल रहे थे, वो स्ट्रैटेजिकली काम कर रहा था, तो बहुत सक्सेस भी मिल रही थी. फिर उसने 4 और खोल लिए, पर उस टाइम ऑनलाइन का बिजनेस आ गया, तो उसकी सेल्स क्या हो गई? एकदम से कम हो गई. तो आप अब उसकी लिमिटेशंस बताओ. रमेश की सेल्स यहाँ पे कम हो गई, क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितना भी वो कर रहा है, फिर भी उसके क्या आ रहे हैं? हिंड्रेंसेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं. क्या हिंड्रेंस फेस करना पड़ रहा है? एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको नहीं पता था कि ऑनलाइन कुछ आ जाएगा, और वो ऑनलाइन आ गया. वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि ऑनलाइन आ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग. अब वो अगर नई स्ट्रैटेजीज बनाकर काम करता है, जब ऑनलाइन ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, तो उसको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन, कमल स्वीट्स कॉर्नर, अ वेरी पॉपुलर स्वीट्स शॉप इन रांची, वॉज फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रांडेड स्टोर्स ऑफ पैक्ड स्वीट्स एंड इम्पोर्टेड गुड्स. The owner realized that their business reduced by 50% in the last 6 months, and this created a stressful business environment for them. To find a solution, they consulted a business consultant in practice to help them develop a strategy to fight competition and sustain their century-old family business. The consultant advised them to innovate a new snack for the public and market it as a traditional snack of the region. The owner liked the idea and developed a new snack called Dahi Samosa, which were very quickly became popular amongst the public and helped regain the lost business of Kamal Sweet Corner. One of the very crucial importance of strategic management was used by the business consultant to help the owners of Kamal Sweets Corner. Which one could it be? Also, was the strategy reactive thi or proactive? आपको क्या बेनिफिशियल लगता है? क्या चीज क्रूशियल इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कौन सी इंपॉर्टेंस कंसल्टेंट ने बताई इसको? क्वेश्चन समझ में आया? अरे इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, तो आप में कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप कुछ नया कर रहे हैं और उसको पुराने तरीके से बेच रहे हैं. दही समोसा, पहले भी समोसा ही बेचते थे, उसमें इनोवेशन डाल दिया, दही और डाल दिया, तो उन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंस के बारे में उसने एक्सपर्ट ने बात की? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. अब ये स्ट्रैटेजी उसकी प्रोएक्टिव थी या रिएक्टिव? दही समोसा की स्ट्रैटेजी रीएक्टिव. मार्केट में जब उसकी पोजीशन फॉल हो गई, उसके बाद उसने दिमाग लगाया और उसके बाद उसने सोचा अब मुझे इनोवेशंस करना चाहिए. तो यहाँ पे उसने कौन सी स्ट्रैटेजी को काम में लिया बच्चों? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को उसने काम में. देखो मतलब एनवायरमेंट को चेंजेस को रिस्पॉन्ड किया ना उसने. प्रोएक्टिव तो अपन एनवायरमेंट को चेंज होने से पहले उसके लिए एनालाइज करते हैं, पहले से प्लानिंग कर कर चलते हैं. अगर वो पहले से प्लानिंग करके चलता कि मुझे ये इनोवेशंस करने हैं, तो वो प्रोएक्टिव होता. बट उसकी जब सेल गिर गई, उसके बाद उसने सोचा मैं क्या करूं ताकि मेरी सेल बढ़ जाए, तो कंसल्टेंट ने कहा आप उसको इनोवेशन करो ताकि सेल बढ़ जाए, तो वो हो गया उसका. ठीक है. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन. धर्म सिंह द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है बच्चों? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? हाँ, जो प्रोक्योर करता है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है? एचआर डिपार्टमेंट लाता है. वो सिर्फ लोगों को लाता है, बाकी और कौन लाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाता है.
बनाएगा कौन? लाएगा कौन? सोच डिपार्टमेंट कोई नहीं होता बच्चे, परचेज डिपार्टमेंट। बात एक ही है प्रोक्योरमेंट परचेज को पता होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, परचेज करना, एक्वायर करना। रिसोर्स लाओगे तभी तो बनाओगे, नहीं पहले थोड़ी ना बना लोगे। परचेज वाला खरीदेगा तभी तो प्रोडक्शन वाला उसको प्रोड्यूस करेगा। हाँ जी धर्म सिंह पढ़े, धर्म सिंह द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स A mountain biking equipment company was recently promoted to look after sales department along with the procurement department. Promotion ho gaya uska. His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership and assures that he would ensure the implementation of policies and strategies to best of his capacity, but have never involved him in decision making for the company. Do you think this is the right approach? क्यों? करना चाहिए क्योंकि वो लोग ही होते हैं फंक्शनल मैनेजर्स, वो क्लोज टू द कस्टमर्स होते हैं। तो जब भी आप बनाओ डिसीजंस लो तो हमेशा फंक्शनल मैनेजर्स को साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो फंक्शनल मैनेजर्स ज्यादातर इन्फॉर्मेशन बिजनेस को दे पाएंगे, उसकी हेल्प से वो लोग रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटजीज बना पाएंगे क्योंकि वो लोग क्लोजर टू द कस्टमर्स होते हैं और वो लोग ही ऑपरेट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर उनको समझ में अच्छे से आएगा ना कि क्या बनाए तो वो इम्प्लीमेंटेशन में उनको दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर डायरेक्टली बनाया किसी और ने, इम्प्लीमेंट किसी और को करने को दे दिया, तो कई बार उसको समझ में नहीं आता कि बना क्या था, क्या करना है, तो वो ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये पढ़ने हैं और जो मेन मेन पॉइंट्स इसके अंदर आपको लगता है वो आपको लर्न भी करना है एग्जाम में। और मेरे टेस्ट में आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 अपन बच्चों, कल से स्टार्ट करेंगे। कल कुछ भी नहीं सुनूंगी, पढ़ो लर्न करो, जो याद नहीं है पुराना वाला वो लर्न करो, और कल से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।